तो दोस्तों, आपने अक्सर अपने घर के आसपास या फिर कहीं बाहर जाते हुए आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं एक अलग स्थान पर एक पूजने जैसी कोई आकृति बनाई होती है। कोई मठ टाइप का छोटा सा बनाया होता है, कोई छोटी सी एक छोटा सा एक मंदिर टाइप का बनाया होता है, जो कि पंजाब में अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कहा जाता है इनको जठेरे। और अगर हम और राज्यों की बात करें तो कई राज्यों में इस तरह से कहा जाता है कि है हमारे बड़े बुजुर्गों के नाम से बनाया गया पूजा स्थल है, पूजा स्थान है, उनकी याद में बनाया गया ये छोटा सा एक स्मारक है, एक छोटी सी आकृति है। क्या होते हैं ये जठेरे शब्द और ये क्यों हमारे पितरों या फिर बड़े बुजुर्गों से जुड़ा हुआ है, क्यों की जाती है इनकी पूजा, आज आपको मैं ये बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए सबसे ज़रूरी है और इस जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं आप परेशानियों से गुजर रहे हो, जो आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों, जठेरे, जठेरे का मतलब सबसे पहले समझिए, वो व्यक्ति जो आपके परिवार, आपके कुनबे, आपके पूरे वंश का सबसे बड़ा व्यक्ति हो, जिसे कि जेठ भी कहा जाता है। हिंदी में अगर हम जेठ की बात करें तो बड़ा, यानी कि चाहे वो बड़ा बच्चा हो, चाहे बड़ा कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो, वो जेठे के नाम से जाना जाता है। अब जेठा पुत्र, ज्येष्ठ, ये सब इनको एक बड़े की एक पदवी दी गई है कि ये हमारे बड़े हैं। अगर हम जेठे की बात करें, यहाँ पर जो जठेरे, हम पंजाब में इसको जठेरे बोलते हैं, आपके अलग अलग राज्यों में क्या क्या बोलते हैं, इसके लिए मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन करके बताइएगा। इस तरह से फ़ोटो में भी आप देख सकते हैं कि ये इनकी पूजा की जाती है। क्यों पूजा की जाती है? क्योंकि इससे ये मान्यता है कि हमारे ऊपर जो एक छत्र छाया है वो हमारे उस बड़े बुजुर्ग की है, जिसके कारण हम पनप रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम अपना जीवन यापन करने योग्य हैं। अगर हम और डीपली जाएं तो आप जब पूजा पाठ करते हैं तब पंडित जी आकर ये बोलते हैं, ग्राम देवता भ्यो नमा, कुल देवता भ्यो नमा। ये ग्राम देवता, क्षेत्रपाल, ये सब क्यों कहा जाता है? ये पूजा में ही ये बातें कही जाती हैं कि आपके ग्राम देवता कौन हैं, आपके क्षेत्रपाल कौन हैं, आपके उस एरिया को कवर करने वाले, सुरक्षित करने वाले कौन हैं, आपके घर को सुरक्षित करने वाले कौन हैं। जब भी कोई तांत्रिक, जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं और तंत्र विद्या आपके घर तक पहुँचाना चाहते हैं, वो सबसे पहले उस शक्ति को बांधते हैं जिस शक्ति के द्वारा आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है, जिसके कारण आप बचे हुए हो, तभी वो अपनी शक्ति को आपके घर तक पहुंचा पाता है, आपके घर के उस मेंबर तक पहुंचा पाता है। अगर हम पंजाब में बात करें तो पंजाब में यहाँ पर बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर जठेरों की पूजा की जाती है और अपने पितरों के नाम से पूजा की जाती है या फिर अपने बड़े बुजुर्गों के नाम से पूजा की जाती है। अब जो लोग अपने जठेरे, यानी कि ये कुल का रीति रिवाज होता है कि जो लोग पहले से पूजा करते आए हैं, कुछ एक दिन होते हैं, कुछ एक समय आता है जिस समय में वो अपनी श्रद्धा अनुसार जो जो उन पर चढ़ाया जाता है, चाहे वो दीपक हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे मिठाई हो, कुछ भी हो, उस हिसाब से वहाँ पर जाकर चढ़ाते थे। पर आजकल देखिए कि व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशानियों से बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है। ज़रा ज़रा सी कुछ होता नहीं है, ज़रा सी कोई घटना हुई नहीं कि इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। ये सब दिक्कतें जुड़ी हुई हैं जब आपके कुल देवता, जब आपके वो प्रोटेक्शन देने वाली शक्ति ही आपके साथ नहीं रही, तो जीवन हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के रीति रिवाज नहीं मानता है तो कहीं ना कहीं उसके सूर्य संबंधी परेशानियाँ उसके जीवन में आ जाती हैं। सूर्य जो कि उसका कारोबार है, उसकी मान सम्मान है, उसका खुद का एक शरीर का स्वस्थ रहना है और जीवन में मिलने वाली सुख और मान सम्मान है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती हैं। ग्रह क्लेश रहता है, कोई लंबी बीमारी लग जाती है, इस तरह की चीज़ें जब वो प्रोटेक्शन हट जाती है आपके घर से तो अक्सर आती है। अगर आपके घर के लोग पूजा पाठ करते थे जठेरों की या फिर किसी भी शक्ति को मानते थे, अगर आपने उस शक्ति को मानना छोड़ दिया है तब आपके ऊपर से वो प्रोटेक्शन हट चुकी है। देखिए, कई तरह की बातें कही जाती हैं कि हमें जठेरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। ये आपके ऊपर है, ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको जठेरों की पूजा करनी है या नहीं करनी है। अगर आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं
और आप उस रीति रिवाज को जो आपका पारिवारिक रीति रिवाज है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो पता लगाइए कि आपके जठेरे कहाँ हैं, यानी कि आपका पूजा स्थान वो कहाँ है जो कुल देवी या देवता के रूप में पूजा जाता था। इसी तरीके से आप देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से इस तरह को माना जाता है। कई लोग कहते हैं हमारे ज्येष्ठ, हमारे पूजनीय, कई लोग कहते हैं कुल देवी या देवता, क्योंकि वो कुल को आपके संरक्षण देने के काम करते थे। अब आजकल देखिए व्यक्ति ज़्यादातर लोग पितृ दोष या पितृ ऋण से पीड़ित होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो पितरों की पूजा और पितरों का जो एक पूरा क्रिया होती थी वो नहीं कर पाते हो, जिसके कारण आपके पितर रुष्ट रहते हैं। पितर कौन है? वही हैं जो आपके बड़े बुजुर्ग स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनकी याद में आपने कोई स्मारक बनाया है, कोई छोटा सा पूजा स्थान बनाया है। ये पूजा स्थान अक्सर बाहर हुआ करता है, घर से बाहर हुआ करता है, कहीं खेतों में हुआ करता है, कहीं बाहर आबादी से बाहर हुआ करता है। इस तरह से लोग इस अपने जो पूर्वज हुआ करते थे उनके नाम से पूजा स्थान एक स्मारक बना लेते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो पता लगाइए। अगर कुछ भी करके नहीं पता लगता है तो आप ये पता लगाइए कि आपके पितरों की पूजा पाठ या शांति कहाँ हुआ करती थी। क्या वो हरिद्वार में हुआ करती थी, या फिर कुरुक्षेत्र के पहेवे में हुआ करती थी, या फिर आप कीर्तपुर जाया करते थे पंजाब में, या फिर आप गया जाया करते थे। जहाँ भी जाया करते थे एक बार आपको उस स्थान पर ज़रूर जाना है, क्योंकि आप अब उस शक्ति से विहीन हो चुके हो जो आपको प्रोटेक्शन दे रही है। जब शक्ति ही आपके साथ नहीं है तो हर तरह की परेशानियां आपको घेरेंगी, चाहे बीमारी है, चाहे वो एक्सीडेंट है, चाहे घर के क्लेश हैं, चाहे संतान ना होना, चाहे वृद्धि ना होना, चाहे बड़े नुकसान होना, बर्बाद हो जाना, ये सब चीज़ें इस तरह से आती हैं। और किसी की भी बुरी नज़र आपके परिवार के लोगों पर, आपके घर पर, आपके अपने लोगों के बीच में ये बुरी नज़र का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप रहता है। इस तरह से समझिए, अगर आपको पता लग गया है कि आपके जठेरे कहाँ हैं, आपके कहाँ पूजनीय होते थे, तो आपको ज़रूर से ज़रूर पूजा करनी है जो भी चीज़ें चढ़ती थी, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं वहीं से स्वीकार होंगी। उनको जितना आप बल दोगे उतना ही बल आपके परिवार पर आएगा, यानी कि उतना ही मजबूती आपके परिवार को मिलेगी, जो परेशानियाँ हैं वो दूर होंगी, क्योंकि प्रोटेक्शन देने वाली शक्ति वही है। शक्ति यानी कि आप, ये जो शरीर है ये शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू होती है आत्मा की। जब इंसान शरीर त्यागता है तभी वो शक्ति जो आत्मा है उस शक्ति से शक्ति में जाके विलीन होती है, और आपकी प्रार्थनाएं भी तभी स्वीकार होती हैं, तभी ध्यान लगता है जब आपका कनेक्शन आत्मा से उस शक्ति के साथ होता है। तो समझिए वो एक शुद्ध शक्ति है जो कि आपके इस दुनिया के जंजाल को छोड़कर एक परमात्मा में विलीन हो चुकी है, तो आपकी प्रार्थनाएं भी वहीं स्वीकार होंगी। अगर आपको कुछ नहीं पता लगता है कि आपके जठेरे क्या थे, क्या हैं आपके पितर, कुछ भी, कई बार ऐसा होता है कई लोगों को नहीं पता होता है, इतना आधुनिकीकरण आने के कारण लोग अपने पूर्वजों को, अपने रीति रिवाजों को, अपने कुल देवियों वगैरह को, इनको नहीं पता लगा पाते हैं, तो तरीका क्या है? तरीका यही है कि आप एक नारियल अपने घर में रखिए, और ये करना है अमावस्या को, एक नारियल अपने घर में रख लीजिए, पूजा वाला जटा वाला नारियल कलावा बांध के उसको घर में रख लीजिए। मान लीजिए अमावस्या से एक दिन पहले या दो दिन पहले या चार दिन पहले आपने रख लिया, आपको जाना है उस स्थान पर, जैसे कि आप हरिद्वार चले जाइए, या फिर आप जहाँ भी जाते थे, जहाँ पर भी आपके पितरों की या फिर पूर्वजों की गति हुआ करती थी वहाँ पर जाना है, और सामग्री घर से लेके जानी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने घर पर वो नारियल रखिए, कलावा बांध के रखिए, और जिस दिन आपको वहाँ पहुँचना है, अगर हम हरिद्वार की बात करें तो नारायणी शिला, नारायणी घाट, ये जगह है जहाँ पर पितरों की शांति हुआ करती है, और अक्सर उन लोगों की शांति करानी ज़रूरी है जो आकस्मिक मृत्यु से मारे गए हैं, जिनका दहन नहीं हुआ है, अग्नि दहन नहीं किया गया है, अग्नि संस्कार नहीं किया गया है, जिनको जल में बहाया गया है, जिनकी अस्थियां नहीं मिली हैं, जिनकी अस्थियों को प्रवाहित नहीं किया गया है, जो बीमारी से मरे हैं, अकाल मृत्यु से मरे हैं, इसी तरीके से उनकी रूहें आपके परिवार को कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। वो रूहें गलत रूहों के साथ मिलकर आपके जीवन में उन चीज़ों को लेकर परेशानियाँ क्रिएट करती है जो कि आपकी सुख सुविधा और शांति से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से पता लगाइए। बाकी और भी इस तरह से बहुत सी जानकारियाँ हैं जो आप अगर नहीं कर पा रहे तो कम से कम ये उपाय जरूर करिए, नारियल लेके जाइए और वहाँ पर नारायणी शिला पर जाकर अर्पित कर दीजिए, और वहीं पर सरसों तेल का दीपक जला दीजिए, अपनी प्रार्थना कर लीजिए, और वहाँ पर आप पहले देखिए
सारी चीज़ें घर से ही जुटा के जाइएगा, वहाँ जितना हो सके कम से कम खरीदिए, जो कि जो भी कुछ हो घर से लेके जाइए, क्योंकि आपके घर और आपके परिवार की शक्ति उस नारियल में समाहित होगी। जो नकारात्मक ऊर्जा है सब नारियल में समाहित होगी और उन चीज़ों में समाहित होगी जो आप ले जाके वहाँ अर्पित करके आओगे। और जो भी परेशानी है वहाँ पर इतनी शक्ति है, इतना वहाँ का तेज है कि वहाँ पर जाते ही इन सब सभी शक्तियाँ जो कि नेगेटिव एनर्जी हैं, आपको परेशान कर रही हैं, सब की सब भस्म हो जाती हैं और वहीं की वहीं कैद हो जाती हैं। वहाँ पर आप जाओगे, इस तरह से वीडियो में देखिए कि वहाँ पर लोगों ने किस तरह से उनको स्थान दे रखा है अपने पूर्वजों को, इसीलिए दिया जाता है कि अब आप यहीं रहो, प्रभु नारायण के सानिध्य में इनके नज़र में रहो, ताकि आप गलत ना कर पाओ और आपकी रूह भी ना भटके, आप प्रभु के चरणों में रह के अपने आप की गति करवा लो। इस तरह से चीज़ें होती हैं। देखिए, मानने को तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं है, और वो व्यक्ति नहीं मानेगा जिसको परेशानी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के पास वही जाता है जिसको बीमारी है, और जिसको बीमारी नहीं है वो तो डॉक्टर को बेवकूफ़ ही बताएगा। तो इस तरह से देखिए, वो आपकी इच्छा है और आपके मानने पर है, अगर आप मानेंगे तो कुछ ना कुछ अपनी परेशानियों से निवारण पा लोगे, वरना इसी तरीके से आपका कीमती समय इन परेशानियों से उलझने में ही निकल जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और भगवान श्री हरि नारायण का जयकारा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपके अलग अलग राज्य में इस जठेरे का शब्द क्या क्या है, ताकि आने वाली वीडियो में और जानकारियां एकत्रित करके और कुछ नया लाके आप सभी लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।